नमस्कार, दराजधर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। इस समय हम सहारनपुर ज़िले में हैं और आप जिस पीछे देख रहे होंगे ये सहारनपुर की आम जनता है, जिससे आज हम बातचीत करने जाएंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेके। कुछ जानकारियां आपको दे देते हैं सहारनपुर के बारे में। यहाँ 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 1 सपा और 2 कांग्रेस जीती हुई, बाकी सभी भाजपा के खाते में आई है। लेकिन जिस विधानसभा क्षेत्र में इस समय हम खड़े हैं, ये नाकूड़ विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से विधायक है धर्म सिंह सैनी, जो मंत्री भी हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आजादी के बाद से यह सीट पे कभी बीजेपी का कोई प्रत्याशी जीत के नहीं आया। पहली बार धर्म सिंह सैनी 2017 में बीजेपी के बैनर तले यहां से चुनाव जीते और उसके बाद मंत्री भी बनाए गए। इसके पहले वो बहुजन समाज पार्टी में थे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहां से इमरान मसूद, जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, वो लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और धर्म सिंह सैनी 2 बार उनको चुनाव हरा भी चुके हैं। तो सीधे आपको जनता से रूबरू कराते हैं कि उनकी क्या मांग है और किन मुद्दों के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में वो वोट डालने जाएंगे। आपसे ही बात करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। सतीश कुमार है तो इमरान मसूद कैसा काम हम करते हैं यहाँ पे? इमरान मसूद ने अभी तक कभी कोई काम नहीं किया। पहले भी वो सेंटर गवर्नमेंट में, क्या नाम, मंत्री रहे उनके चाचा जी, और वो इसी बार, क्या नाम, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, विकास की कोई कार्य नहीं करते कोई भी। अच्छा। जी वो तो कहते हैं हिंदू मुसलमान सब हमारे साथ है, सब हमारे भाई है। अगर हिंदू मुस्लिम साथ होता तो 3 बार, 1 बार लोकसभा, 2 बार विधायक चुनाव हार चुके, तो चुनाव नहीं हारते। नहीं, उनका कहना है कि हम हारते जरूर है लेकिन हमारे तो जीतते हैं, 2 विधायक जीते हैं। वो तो अपने हिसाब से है, वो ना अपनी बिरादरी का वोट मिला इसलिए वो जीत पाए हैं। बिरादरी मतलब जैसे कि सैनी बिरादरी थे, वो सैनी बिरादरी का पूरा वोट उन्हें मिल गया वहाँ पर। अच्छा। और यहाँ पर गाड़ा बिरादरी थे मसूद अख्तर जी, उन्हें गाड़ा बिरादरी का वोट मिल गया इसलिए जीत पाए। अच्छा, तो आपके विधायक जी कैसे कामकाज किए हैं धर्म सिंह सैनी जी? हमारे यहाँ माननीय मंत्री के सिवा हमारी विधानसभा नकुड़ में किसी ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने जैसे बसपा में रहे तो उन्होंने पूरा काम कराया। अब वो भाजपा में, अभी उन्होंने बड़े बड़े पुल और बड़ी बड़ी सड़कें, जो भी काम कराया वो माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी ने कराया हमारे नकुड़ विधानसभा में। आपका क्या नाम? मोहम्मद नावेद है, दूसरी बार प्रधान हूँ, ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान है तो भाजपा सरकार कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी सरकार है, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हिंदू जाओ मुस्लिम जाओ, सबके विकास कार्य हो रहे, किसी किस्म का कोई अड़ंगा नहीं है। जिस तरह सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसी तरह हमें भी योजनाओं का लाभ मिल रहा। इमरान मसूद का साथ नहीं दे रहे हैं आप? इमरान मसूद लोग ये तो हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करेगा वो कभी विकास नहीं कर सकता। हमारा तो मेन मुद्दा विकास का है। मंत्री जी 24 घंटे हमारा ट्रांसफार्मर का काम हो, सड़क का काम हो, कोई भी किसी तरह की समस्या होगी वो क्षेत्र में 24 घंटे अवेलेबल है। तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा से हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी से क्या दिक्कत है? बहुजन समाज पार्टी है तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो रहे हैं, समाजवादी कांग्रेस आपस में मिलजुल के। जब हमारा काम हो रहा तो हमें भाजपा से कोई गुरेज नहीं। अच्छा, तो सपा से क्या गुरेज है? सपा से यही देखो, जैसे ही सपा की सरकार जब भी आई, आपको पता गुंडागर्दी कितनी बढ़ जाती है। अच्छा। महिलाओं का निकलना बाहर रात बरात किसी भी टाइम निकलेंगे, चोरी छिनैती ये सब शुरू हो जाता है। भाजपा राज में योगी जी ने सब गुंडागर्दी खत्म ही कर दी। अच्छा। गुंडे या तो जेल में या फिर इनकाउंटर हो गए सीधे ऊपर। इस बार इमरान मसूद कह रहे हैं कि अगर सपा के साथ गठबंधन कर लिए तो फिर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, क्या लगता है इसमें कुछ दम है? नहीं, कोई दम नहीं है जी। अच्छा। वही हार ही मिलनी, उन्हें हार ही मिलेगी, क्योंकि विकास की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं। उनका तो सीधा सीधा ध्यान है बस मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाओ और राज कर लो, वो मामला पुराना हो गया पंडा, वो चलता नहीं। तो अगर मान लीजिए बहुजन सपा कांग्रेस सब मिल जाए तो भी कुछ नहीं दिक्कत? 2017 के हाल का तो आपको पता ही क्या हुआ था इनका, जब भी तो गठबंधन किया था, साइकिल में भी पंचर हो गया था, हाथी भी बैठ गया था। हाँ, बैठ ही जाकर। इस बार मान लीजिए पंजा साइकिल पे बैठे तो कुछ नहीं होता जी, वही ढाक के 2-3 सीट निकल रहे हैं सहारनपुर में, वो भी निकलती है। अच्छा। जी। तो इस बार क्या लगता है 7 सीटों में कितनी सीट आएगी भाजपा की? कम से कम आएगी जी 7 की 7 ही ना करते अब की बार तो पार। ठीक है, आपसे बात करते हैं, क्या नाम है? विजय सैनी। विजय सैनी जी, क्या लगता है कि इस बार गठबंधन अगर हो जाएगा, जैसे इमरान मसूद कह रहे हैं कि सपा के साथ अगर आ जाएंगे तो सरकार बन जाएगी, क्या लगता है बड़ा दाव खेल जाएंगे? पिछली बार भी 2 बार लगातार उन लोगों ने गठबंधन करके देख लिया, उनके गठबंधन से क्या होना है?
पट्टू पट्टू के बाट है सबके सब। उनके गठबंधन से क्या होना है ये मैं बता रहा हूँ। उनका उनका उनकी जो सोच है कि गठबंधन होगा तो दलित और मुस्लिम वोट उनको मिल जाएगा, तो सैनी जी हार जाएंगे। इस सीट पर माननीय मंत्री जी काम करते हैं, दलित और मुस्लिम हमारे हिंदू वोटों से ज्यादा वोट हमें देने का काम करते हैं। उनका गठबंधन चाहे वो सारी पार्टियां भी एक पार्टी और का है, जब भी वो हराने का काम नहीं कर सकते, जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस सीट से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जीत कर जाएंगे। अच्छा, वो रात दिन पब्लिक के लिए काम करते हैं और आतंक का पर्याय बनी पिछली सरकारें, चाहे वो बसपा की थी चाहे समाजवादी की सरकार थी, हमारे क्षेत्र का कोई भी आदमी शाम को 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाता था। ये बताइए कहे मंत्री जी छोड़ दिए बसपा? बसपा छोड़ दिए तो जब हमारा टिकट कट गया तो हमने बसपा छोड़ दी। अच्छा, उसके बाद हमें सरकार ने जो है भारतीय जनता पार्टी ने हमें फिर टिकट दे। लोग कह रहे हैं कि बसपा फिर मुद्रा पे चलने लगी थी। बसपा तो मुद्रा पे आज भी चल रही है। अच्छा, आज भी वो तो चल रही है। 3-4 करोड़ हमारी सीट पर जो है कार्यक्रम चल रहा है उनका। 3 करोड़ दे देगा, 4 करोड़ दे उसको टिकट दे देंगे। अच्छा, ऐसी पार्टी में रहकर हम क्या पब्लिक का भला क्या कर पाएगा? यहाँ का विधायक जो पहले ही पैसे देकर वहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, वो पब्लिक का क्या भला कर पाएगा? यानी 4 करोड़ हो तो बसपा से टिकट फिक्स जो दे रहे हैं तो उनका हो रहा है। अच्छा, वो तो पैसा लेकर ही टिकट दे रहे हैं। बिना पैसे के तो टिकट का वहाँ मतलब ही कोई नहीं है। जनता के बीच जनाधार नहीं है क्या बसपा का? कोई जनाधार नहीं है। अच्छा, हमारे क्षेत्र का दलित समाज 80% दलित समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मकानों का हमारे कस्बे के अंदर देख लीजिए, शहरीकरण के अंदर देख लीजिए, 2.5 लाख का पैकेज है हमारे कस्बे के अंदर, चिलकाना के अंदर 1000 मकान बना है, उसमें 700 कुछ और मुसलमानों का बना है और 300 कुछ और उसमें दलित समाज का बना है। हमारे साथ दोनों ही समाज बड़ी खुशी खुशी से माननीय मंत्री जो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी हैं। जी बताइए कि आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी जीती है, तो अभी तक क्यों नहीं जीतती आ रही थी? क्या समीकरण थे? कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रत्याशी रहा होगा जो सभी समाज को अपने साथ लेकर ना चला होगा। अच्छा, ऐसा हुआ होगा, लेकिन डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी सभी को अपने साथ लेकर चलते हैं। यहाँ पर जो हमारे मुसलमान समाज के लोग हैं उनसे पूछने का काम कर लीजिए आप। जो भी मुसलमान समाज का आदमी मंत्री के पास जाता है, दलित समाज का मंत्री के पास जाता है, वो सबसे पहले उनका काम करने का काम करते हैं, चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर काम हो, चाहे कोई लड़ाई झगड़े का काम हो तो उसको निपटाने का काम करते हैं। थाने कचहरी कोर्ट कोई भी काम हो, मंत्री जी उसको सर्वदलीय समझ कर सबका काम करने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा व्यापक तौर पर बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए चुनाव आने वाला है जी, तो कहा जा रहा है या तो मुख्यमंत्री अखिलेश बनेंगे या तो योगी, आप लोग का क्या मानना है? योगी जी बनेंगे, अखिलेश का क्या मतलब है? अच्छा, अखिलेश का मुख्यमंत्री का तो कोई मतलब ही नहीं होता। कहाँ से बन जाएगा अखिलेश मुख्यमंत्री? अच्छा, जब इलेक्शन होना शुरू होगा, जब वर्करी शुरू होगी, तो वो इलेक्शन की रेस में कहीं मिलने का नाम नहीं होगा उनका। मिलने का नाम नहीं होगा, वो कह रहे हैं 400 सीट जीतेंगे, अब कह रहे हैं मिलने का नाम। अब कहने का है तो पहले भी वो तो कह रहे थे 47 सीट पर सिमट कर गए थे 2017 में। इस बार 50 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्यों नहीं क्रॉस पर कर पाएंगे? क्या कौन मरेगा उनकी सरकार में? रोज हमारे लड़के मरते हैं, हमारे लड़के को छेड़ा जाता है, रोज उत्पात होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। यदि हमारा कोई आदमी शाम को 6 बजे अपने घर से बाहर निकलकर मार्केट तक जाना काम का, उसके पैसे रास्ते में छीन लिए जाते हैं, डकैती किडने पर सारे के सारे काम समाजवादी सरकार में होने का काम होता है, तो कैसे कौन लोग वोट देगा उनको? क्या नाम है प्रधान जी? मजाहिर हसन। प्रधानी जीत गए जी, पैसा रहा चुनाव में बढ़िया रहा जी। अच्छा, तो ये बताइए कि बीजेपी के साथ खुश हैं? बीजेपी साथ खुश है, धर्म सिंह जो मंत्री जी हमारे हैं उनके साथ खुश हैं बिल्कुल। अच्छा, वो तो बीजेपी में ही है। तो हाँ, बीजेपी में तो दोनों से खुश हम तो। अच्छा, जय मंत्री। हम कुछ सुन रहे थे कि इस बार गठबंधन होने वाला है कांग्रेस और सपा का, होने तो क्या फर्क पड़ रहा? क्या फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो मंत्री के साथ है। 20 साल से वोट उन्हें देते आ रहे हैं मंत्री जी को, आगे भी उन्हें देंगे और जब तक हमारा साथ वो रहेगा ना, हम वोट उन्हें देते रहेंगे। अच्छा जी, तो इमरान मसूद कहते हैं कि सब मुसलमान हमारे साथ, तो कहता रहा बेचारा, उसे बड़ा पता हमें बड़ा पता। अच्छा, उसे बड़ा पता हमें बड़ा पता, हम तो वोट मंत्री को देंगे धर्मेंद्र सैनी को। क्या नाम है? महमूद प्रधान, दूधगढ़। आप भी प्रधान है? ये दूसरे जगह प्रधान है? तीसरी बार प्रधान। तीसरी बार प्रधान? हाँ जी, लगातार। योजना कैसी चल रही है मोदी? बढ़िया चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं प्रधानों की कमाई बंद हो गई। उनकी कमाई नहीं हो रही होगी, हमारी तो हो रही। हमारी तो मंत्री बहुत काम दे रहे हमें। नहीं कह रहे, डायरेक्ट खाते में पैसा आ रहा है तो इनकम थोड़ा कम हो गया। नहीं नहीं, तो सही चल रहा है, तो कह रहे ठीक ठाक चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। मंत्री जी बहुत अच्छा काम दे रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं जो योजना हो या ना हो। विकास उकास करते हैं? विकास फूल है, जाके देखो। अच्छा, 4000 वोट है अध्य मंत्री जी के साथ है, मुस्लिम है सारे। अच्छा, मुस्लिम गुज्जर सब मंत्री जी को पसंद करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी बारे में पूछो? राहुल गांधी को कौन जानता? नहीं जानते। हम तो मंत्री को जानते हैं। बहन जी को? बहन कौन? किसी को? मायावती न जानते, कुछ मंत्री जी को जानते हैं, सिर्फ उनसे काम पड़ता है। क्या नाम है चाचा? मेरा इसरार प्रधान, मजार।
इसरार प्रधान मझार। अच्छा सब आप लोग प्रधानों की टोली बना के बैठे हैं क्या? जी हाँ, प्रधानों को ही तो काम पड़े मंत्रियों से, मंत्रियों तक प्रधानों को ही तो काम पड़े, और को कहीं पड़े मंत्री तो यहाँ आता भी नहीं, यहाँ आता भी नहीं आया, हमने सूरत भी देखी जिस दिन तक मंत्री बना था वो कौन धर्म सिंह सैनी, धर्म सिंह आया ही नहीं यहाँ, हाँ यहाँ तो आया ही नहीं, निर्भय पाला हुआ था रोज आठवें दिन। तो आप इमरान मसूद सही लगते? इमरान मसूद का भी झाड़ू, हाँ तो बहन जी सही लगती? बहन जी नहीं अखिलेश सही लगे हमें, हाँ वो सही है आदमी। तो अखिलेश कुछ काम वाम हुआ है? हाँ काम बतेरा करवाया हमने पीछे पहले, बतेरा करवाया। क्या करवाया? सारे काम करवाए, कोई काम ऐसा जो नहीं करवाया। क्या करवाया? गोली मार था, गोली मार था, बता का था मंत्री मेरी बात सुनो, एक मिनट बात सुनो, मंत्री है आया नहीं है फिर भी यहाँ, मेरी बात सुनो, बताओ मुझे मेरी बात सुनो, हाँ हाँ बोल ले, बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ निर्भय बाहर आया वो बीजेपी में भी रहा, सारे मुसलमान हिंदू के साथ थे, आठवें दिन आवा था हमने मंत्री की सूरत नहीं देखी, यहाँ जी जिंदे वोट दिया हमने, वोट दिया सत्तर दखाना खोलवा इन योगी ने, सत्तर दखाना खोलवा रखी चुप हो जाते, मैं खाली प्रिय हम किसी के, हमने वोट दे रखा बना धर्म सिंह को, वोट दे रखा हमने, प्रश्न सुनिए, हमने धर्म सिंह को, ठीक है ठीक है, सुनिए सुनिए, अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं कोई बात नहीं है, आप अखिलेश यादव को दीजिए, ये मंत्री जी को दे रहे हैं आप अखिलेश यादव को दीजिए, बिल्कुल नहीं है, हमने मंत्री को भी वोट दिया, अखिलेश को नहीं दिया, बलाओ मंत्री को जितनी भी दिया वोट दिया, अकाया तो नहीं है फिर भी, अच्छा आता ही नहीं, क्या लगता है इस बार फिर चुनाव आने वाला है तो नहीं होता, नहीं जिताएंगे, जीतता नहीं किसको, अखिलेश को जिताएंगे कि? हाँ इंशाल्लाह जीतता है अखिलेश जी, जुबैर प्रधान मलकपुर कह रहे हैं अखिलेश लग रही है ना, नहीं जी अखिलेश को कोई वोट नहीं दे रहा है, माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जैसा छवि का व्यक्ति तो यहाँ मिलता भी नहीं है, भाईचारे को लेके चलते हैं माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, कि दुश्मन को भी दुश्मन से नहीं लड़ाते हैं माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, ये आपको यहाँ पे मुसलमान और हम मुसलमानों की अक्षरता समाजवादी पार्टी में है, लेकिन हम माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ 20 साल से हैं, जब से वो यहाँ पर हैं हम माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ हैं और मरते दम तक उनके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वोट किसको देंगे जी? वोट किस पार्टी में देंगे? वोट हम डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को देंगे, चाहे वो बीजेपी जी, बिल्कुल खुले में देंगे, हमारे यहाँ जैसे जी दाढ़ी वाले हैं सारे, आप वोट उन्हें ही पड़ते हैं। अच्छा आप कह रहे हैं अच्छी समाजवादी पार्टी लगती है? नहीं जी हमें अच्छी समाजवादी पार्टी नहीं लगती है, हमने ये नहीं कहा है, हमने कहा मुसलमान को अक्षरता की नहीं जाती है, लेकिन हम डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ हैं, अक्षरता की बात करते हैं, यहाँ पर चमार बिरादरी से भी हैं लेकिन वो भी ये देखो ये खड़े हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ, शुरू से लगे हुए हैं और शुरू से हम हैं, और यहाँ पर आप कुछ बात, मोदी योगी भी ठीक काम कर, हाँ बिल्कुल योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ पर प्रदेश में गुंडा राज था, गुंडा राज खत्म हो चुका है, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित अपने उसमें आती हैं, सरकार थानों के काम बहुत बढ़िया चल रहे हैं, योगी जी ने आपके अनाज का जो काम है वो हर को मिल रहा है, चाहे वो 100 बीघे का काश्तकार हो चाहे वो 1 बीघे का काश्तकार हो, सबकी सुनवाई हो रही है, और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जैसे विधायक तो मिलने ही भारी हैं। इस बार फिर से आने वाला है चुनाव, तो क्या लगता है कि योगी जी बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेंगे इंशाअल्लाह ताला? योगी अखिलेश बन गए तो? नहीं जी अखिलेश नहीं बनेंगे, नहीं अखिलेश तो बिरादरीवाद और हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, बनने नहीं देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं बनेंगे। बलवंत है जी? बलवंत, हाँ जी। किसको वोट देते हैं? धर्म सिंह को दें जी, हमारा तो बहुत, हमारे यहाँ तो पत्थर भी लग रहा है, आर सी भी पड़ी हुई है, अच्छा। नलके भी है, मुझे बहुत काम दे रखा है, काम दे रखा है, बहुत दे रखा जी, बहुजन समाज पार्टी में ना काम नहीं हुआ था क्या? नहीं अब कभी ज्यादा दे रखा जी, सर तो बड़े जुलम जवाल तो बच रहे हम,
जो हमारे पर हावी होते वो हमारे तो पीछे रहे हैं भैया। सबसे तो बड़ी जीत यह है जो हमारे पर हावी होते वो हमारे तो बहुत दूर पीछे हैं। अच्छा, कहा जाता है पहले सरकार में दंगा वंगा बहुत करा दिया जाता था। हाँ जी, ऐसा नहीं होता नुकड़ में, तो आप भी देख लो रिकॉर्ड इसका किसी भी गाँव में दंगा नहीं है। 25 साल का रिकॉर्ड है इसका किसी भी गाँव में, लेकिन रिकॉर्ड और कहीं जाकर देख लो उससे ज्यादा दंगा है। ये किसी को भड़काता नहीं है। प्रधान जी क्या नाम है? निर्दोष प्रधान। निर्दोष प्रधान। निर्दोष प्रधान जी। तो चंद्रशेखर रावण के बारे में क्या रहा है? उसे कोई नहीं पूछ रहा है, चंद्रशेखर रावण को जानते भी नहीं। इतना बड़ा नेता है, कहाँ कहाँ जाता है? जीरो ग्राउंड है जानता भैया, यहाँ कोई नहीं उसे जानता। यहाँ तो धर्म सिंह सैनी के साथ उसे वोट देंगे। इतना दूर दूर जाते हैं अपने पार्टी का प्रचार करने, कहते हैं कि गरीबों का नेता हूं बताओ, उसका कोई नहीं जानता। यहाँ भाजपा बांट देती है नहीं बड़े भाई, यहाँ तो धर्म सिंह सैनी के साथ हो, धर्म सिंह सैनी को ही वोट दिया जाएगा। यहाँ तो धर्म सिंह सैनी चाहे जिस पार्टी में चले जाओ उसी के साथ है, चाहे वो गधे का निशान लेकर आ जाओ उस पर ही वोट देंगे, उसके अलावा वोट ही नहीं देने के किसी को। बहुत अच्छा काम किया है चंद्रशेखर जी ने, तो जो बसपा की वोटें थी, जो बसपा की वोटें थी, बहुत अच्छा काम किया चंद्रशेखर जी ने। उनसे हमें नाराजगी नहीं है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि बसपा की जो वोटें थी वो दो टुकड़े में विभाजित कर दी उन्होंने, आधी चंद्रशेखर में चली जाएगी आधी बसपा में चली जाएगी। तो वो कैसे कैसे सीट निकाल पाएंगे? कौन सा समाज उनको जिताएगा? दलित समाज कहते हैं हमारे साथ। कितना बड़ा दलित समाज है, किधर जाएगा वो? चंद्रशेखर पे जाएगा या बसपा में जाएगा या बीजेपी जाएगा? या बीजेपी पे जाएगा बताओ। ज्यादातर किस पे जा रहा है? हमारी विधानसभा में ज्यादातर, हमारी विधानसभा में 50% डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ SC समाज है। अच्छा। 50% मुस्लिम समाज है। मंत्री जी सबको साथ लेकर चलते हैं, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को जानते हैं, उन्होंने क्षेत्र में धरातल पर काम किया है, बड़े बड़े पुल का वो करवा दिया है। बस हम माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को जानते हैं। आपका क्या नाम? मेरा मोहम्मद नौसाद है। मोहम्मद नौसाद जी, देर से परेशान थे, क्या है बताइए, क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, आप ये कह रहे थे ना कि बीजेपी बसपा वो भाजपा को क्यों वोट देंगे? मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और जो 70 सालों में नहीं देश में हो पाया वो 5 वर्ष 10 साल 6 साल योजना जो कम्प्लीट कर रहे हैं, साथ ही उसमें कर दिखाया, जैसे धारा 376 हटाना कश्मीर का मुद्दा है। दूसरा ये है कि खाद्य सुरक्षा विभाग में गरीबों को अनाज वगैरह वितरण की जो प्रणाली है वो भी सही शुद्धिकरण में, उसमें कोई अपवाद नहीं है। और दूसरा ये जो हमारे मंत्री जी हैं, जो इमरान मसूद जी हैं, मैंने उनको करीब से देखा है, अंदर से बांस की तरह खोखले हैं, और हमारे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी साहब गन्ने की तरह अंदर से भी मिठू मिठू बाहर से भी मिठू मिठू है। खोखले क्यों हैं? खोखले इसलिए है कि जातिवाद करते हैं, जातिवाद पर हिंदुस्तान में कोई भी वोटर को इनकी बात को समझता है, क्योंकि उस तरीके से कोई भी इलेक्शन कमीशन या कोई भी मतदान नहीं कर पाता जातिवाद के ऊपर, वो फोकस ज्यादा करते हैं। कि जब मैं हिंदुओं से बात करता हूं, आपको बात बता रहा हूं, तो वो कहते हैं कि इमरान मसूद के साथ सभी मुसलमान हैं। वो तो एक राजनीतिक सियासतबाजी है, सभी कहते हैं कि मेरे इमरान मसूद के साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ कार्य गलत किए हैं। जैसे बोटी बोटी का एक अभी उदाहरण था 2014 में, जब वो MP का चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो उनको देवबंद की कारागार में डाल दिया गया। ये उस बयान की बात कर रहे हैं जब इमरान मसूद ने कहा था कि बोटी बोटी काट देंगे प्रधानमंत्री को। जी जी, मोदी जी का जो देश का प्रधानमंत्री है, वजीर आजम है, उनका उन्होंने अपमान किया था, और मोदी जी ने उस टाइम पर पूर्ण बहुमत लेने के बाद अपनी भाजपा की सरकार बनाई थी, पूर्ण बहुमत से भी ऊपर सीटें लेकर। अच्छा। जी हाँ जी, इस बार क्या होगा योगी का? योगी जी इस बार जनता के लिए सर्वोपरि हैं, लेकिन अखिलेश भी उनकी दौड़ में पीछे नहीं है। जो लोग पीछे नहीं है, नहीं ऊपर, मतलब ऊपर नीचे का मामला है, गरीबी का मामला है, अखिलेश की अभी लहर। ऐसा लगता है आपको क्या कि अखिलेश भी जीत सकते हैं? नहीं लगता नहीं है, बस अगर हमारी भाजपा सरकार कुछ जो काम अधूरे रह गए हैं जैसे पुलों के या जो भी हैं, अगर उनको पूरा कम्प्लीट मुकम्मल करा पाती है, तो इस बार फिर मोदी सरकार या भगवा रंग, जो मैं भगवा रंग का ही मैं भी मानने वाला हूँ, मैं भी उन्हीं का। जी हाँ जी। अच्छा। जी भगवा रंग मानते हैं? जी हाँ जी। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम धर्मवीर सैनी है। हम ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि जैसे पेट्रोल डीजल उजल सब इतना महंगा हो गया, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
किसानों में कह रहे हैं कि डीजल की बढ़ोतरी हो रही, किसानों का लाभ मिल रहा है बहुत। अच्छा, समाजवादी में लूट हुई थी बहुत, समाजवादी में यहाँ चिलगाना बहुत बड़ी लूट हुई थी दिन में ही। क्या क्या लूट हुई थी? सनार की दुकान, सनार की दुकान लूट थी। अच्छा, और सहारनपुर में कई कई लूट हुई, सनार की दुकान, बड़ी बड़ी दुकान शोरूम लूटे गए, कई दुकानें लूटी गई थी, बड़े बड़े शोरूम, कई कई करोड़ के। हाँ, बड़े बड़े शोरूम, कई कई करोड़, कई कई करोड़ के। पुलिस की 147 राइफल छीन लिया, उसकी का नाम सीओ के, उसमें सीओ के नरगी, एसपी सिटी के नरगी, वो आज तक नहीं मिली। यानी प्रशासन भी सुरक्षित नहीं था। और एक एक का नाम, एक एक सिपाही था, वो मार दिया गया था। अच्छा, राहुल उसका नाम था, राहुल, राहुल डागर। और थाने में जाकर अगर कोई बदमाश पकड़ा भी गया ना, तो जो बस्ती छुटवा लेते थे जो नेता थे उनके। अच्छा, जब से योगी सरकार आई है तब से बहुत बढ़िया, सब शांत, चाहे 11 बजे आओ, चाहे 12 बजे आओ, चाहे 1 बजे आओ, किसी भी टाइम आओ, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। और पहले क्या था कि जैसे कार है ना, कार, कार में ही का नाम वो डंगर भर लिए रात को, बछड़े कटड़े वो लादे अपना लेकर साफ के कटान लगाए, बंद कर दिया, वो करना पता भी नहीं लगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और जब कोई थाने थोने में जाए ना, थाने में उसे बिठा लेते, जिसका लूट ही उठा तो ही बैठ जाए। इसमें किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी पक्का, पक्के सब बीजेपी पूरी बहुमत। सहारनपुर में 7 में से कितनी सीट निकली? 7 की 7 निकली। चलिए, देखिए ये सहारनपुर की जनता थी, और तमाम मुद्दे पे हमारी उनसे बातचीत हुई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।